एंजल सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक अगेन. ओके सो आज का वीडियो अगेन ग्लोइंग स्किन से रिलेटेड है, बट आज के वीडियो में कुछ आपको लगाना नहीं है. आज के वीडियो में हम आपको अंदर से ग्लो लाने के लिए ऐसा कौन सा बहुत ही छोटू सा, बहुत ही सिंपल सा एक मेथड है जो आपको डेली बेसिस पे करना है. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप इसको गिन के 10 दिन करके देख लीजिए, आपका चेहरे पे ना एकदम ऐसे लाइट सी चमकती हुई आपको दिखाई देगी. इतना ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है ये. सो आज ये कौन से एक इंग्रेडिएंट से ये मेथड को किया जा सकता है, हम इसके बारे में बात करेंगे. सो या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड. सो आज का जो ये मैजिकल इंग्रेडिएंट है, और ये सिंगल वन इंग्रेडिएंट है, आपके किचन में अभी भी मौजूद होगा आई एम प्रीटी मच श्योर. और ये इंग्रेडिएंट क्या है? ये इंग्रेडिएंट है सौंफ, यानी कि फेनल सीड. आज सौंफ का जो पानी है, यानी सौंफ का जो इनटेक आप करते हैं, कंजप्शन जो करते हैं पानी का, उसके बेनिफिट्स हम जानेंगे. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये सिर्फ मैं ब्यूटी रिजीम की बात नहीं कर रही हूँ, या आपकी एक ऐसी गुड हैबिट की बात नहीं कर रही हूँ जिसको लेने से सिर्फ आपकी ब्यूटी में निखार आएगा. इट इज़ ओवरऑल इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि अगर मतलब आप इसको सिर्फ 10 to 20 days लेकर देखिए, आपको ओवरऑल हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा. सो इसके लिए आपको करना क्या है, मैं आपको ये बता देती हूँ. सबसे पहले हम सौंफ लेंगे, यानी फेनल सीड्स लेंगे. आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सौंफ जो भी आप लें उसको ज़्यादा क्वांटिटी में आपको डेली बेसिस पे इनटेक नहीं करना है. जिस तरह से इसमें मेथड बताया गया है एग्जैक्टली सेम तरीके से आपको लेना है, ठीक है. सो अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि आप किसी भी तरह की अच्छी एक ऑर्गेनिक सौंफ लीजिए. नॉन ऑर्गेनिक को मैं प्रेफर नहीं करूँगी, रेस्ट आपकी मर्ज़ी है, आपका कॉल है. लेकिन ऑर्गेनिक सौंफ लीजिए, और इस तरह के ये फेनल सीड्स जो है ये इस तरह से दिखाई देंगे. और ये सौंफ को आपको क्या करना है, इसको डेली बेसिस पे अगर आप कर सकें, जो कि मैं तो पर्सनली डेली बेसिस पे करती हूँ, लेकिन अगर आप इसको स्टोर करके भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं. मैं आपको बताती हूँ इसका प्रोसेस क्या है. तो आपको क्या करना है कि 1 tablespoon सौंफ लेनी है, और इसको जो तवा है या पैन है उसको हल्का सा, बिल्कुल लो मीडियम गैस पे गर्म करके इसको हल्का सा भून लेना है, इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है. आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैं अभी दिखाती रहूँगी साथ के साथ ये पूरा का पूरा प्रोसेस इसका, जब तक कलर चेंज ना हो जाए और एक बहुत ही नाइस सा अरोमेटिक इसमें खुशबू आने लग जाती है. जब वो हो जाए तब आप समझ लीजिए, और ये थोड़ा सा पॉपअप भी करने लग जाएगा. तो जब ये सारी चीज़ें आपको दिखने लग जाएंगी तब आप गैस ऑफ कर दीजिए. ये आपकी रोस्टेड सौंफ तैयार है. अब इसके दो तरीके हैं लेने के, या तो आप इसे डायरेक्टली ऐसे का ऐसे ही इंटेक कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका जो कि मैं यहाँ दिखा रही हूँ, जो कि मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ, वो ये है कि आप इसको पाउडर फॉर्म में इसको बना दीजिए. तो यहाँ पर मैं हैंड से ही इसको पाउडर बना रही हूँ, और ये जिस तरह से आप पाउडर बनाएंगे तो क्वांटिटी इसकी अगर आप थोड़ा ज़्यादा करते हैं तो ये आप 7 days का मटीरियल रेडी करके रखिए. 7 days से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि अरोमा चला जाएगा, उसकी जो एक नेचुरल फ्रेग्रेंस है वो चली जाएगी, फिर मज़ा नहीं आता है. तो आई वुड से कि 7 days का बना कर रखिए. और इसको करना क्या है कि सुबह उठते के साथ ही मॉर्निंग में आपको खाली पेट गरम पानी करना है, मतलब मोटा मोटा ल्यूकोम वाटर आप ले लीजिए. ल्यूकोम वाटर के साथ इसको 1 tablespoon आपको इंटेक करना है. ये आपका प्रोसेस है. आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है, आधे घंटे के बाद आप जो भी लेना चाहें, ब्रेकफास्ट लेना चाह रहे हैं, टी कॉफ़ी लेना चाह रहे हैं, वो सब आप जो है वो ले सकते हैं. इसको प्रेग्नेंट वीमेन प्लीज़, जो भी मैं यहाँ पर रेमेडीज़ बता रही हूँ, खासकर जो कंसेप्शन की रेमेडीज़ हैं, प्लीज़ आप विदाउट डॉक्टर कंसल्टेंट आप नहीं लेंगे ये काम. हाउएवर रेस्ट कोई भी इस पर्टिकुलर मेथड को, रेमेडी को घर में कर सकता है. अब मैं इसके आपको बेनिफिट्स बता देती हूँ. इसके बेनिफिट्स इतने सारे हैं. सबसे पहले तो अगर मैं डाइजेशन की बात करूं तो सौंफ, सबको पता है कि खाना खाने के बाद हम लोग सौंफ और मिश्री ज़रूर खाते थे पहले बचपन से ही. सो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा काम करता है. आप इसको अगर पानी में रख के और उसके बाद भी आप इसका एक फेनल वाटर बना के और इसकी टी बना के आप लेना चाहते हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा आपकी गैस एंजाइम्स को हटाता है, आपकी टॉक्सिसिटी को हटाता है, और जितने भी डाइजेशन से रिलेटेड जिनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है उसमें बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है. कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेगा, इनडाइजेशन में हेल्प करेगा, ब्लोटिंग में भी हेल्प करेगा, ठीक है. दूसरा आ गया जी ब्लड प्रेशर का, जो फेनल सीड है उसमें बहुत अच्छा काम करता है. कैसे कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है. तो अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रेट है
अगर इसमें आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इसको ज़रा 14 डेज तक लेकर देखिए रेगुलर बेसिस पे ईमानदारी से विदाउट एनी चीटिंग एंड यू विल सी द रिजल्ट वेरी क्विकली. देन यू हैव इम्प्रूवमेंट इन द आई साइट. ये आपकी आई साइट को भी इम्प्रूव करता है, लेकिन ये एक दिन का ओवरनाइट का मैजिक नहीं है, इसको आपको लगातार करते रहना पड़ेगा. और ये ब्लड को भी प्योरीफाई करता है, खासकर ब्लड से रिलेटेड जिनकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. झाइयों की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको और भी बहुत सेंसिटिव स्किन हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं. इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए ये आप लेना स्टार्ट करिए. और जैसे आप साफ़ी पीते थे बचपन में तो ब्लड प्योरीफाई होता था, ये पी के देखिए सेम इफ़ेक्ट आएगा आपको. ठीक है, अब आता है जी जिनको पीरियड्स में पेन होता है. ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है स्पेशली टीनेज गर्ल्स के लिए कि इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं जी हमारे को, फेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मेनोपॉज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, या फिर हमें नॉर्मल बेसिस पे जो रेगुलर साइकिल होता है उसमें हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है. तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको 14 डेज तक लेकर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट उस पर भी दिखाई देगा. अब आता है जी फेनल सीड्स जो है वो कैंसर को भी प्रोटेक्ट करता है, आपको कैंसर से भी प्रोटेक्ट करता है. कैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स होते हैं, जैसे स्टमक कैंसर हो गया, स्किन कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, इन सारे जो कैंसरस सेल्स हैं इनको बढ़ाने से ये आपको बचाता है. तो ये एक बहुत अच्छा कॉज है इसका जो मुझे बहुत पसंद है. नेक्स्ट जो आता है आपका बेनिफिट वो आता है आपका वेट लॉस का बेनिफिट. ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है. इसको कोशिश करके ना आप 14 to 21 डेज लेके देखिए, आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई देगा. और लास्ट में आता है जी आपका एक्ने, जिनको कि एक्ने की प्रॉब्लम है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट इसमें प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिससे क्या है कि आपकी स्किन का जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो तो सुधरेगा ही सुधरेगा, आपके स्किन की जो टॉक्सिसिटी है वो तो जाएगी जाएगी. इतना अच्छा हेल्दी ग्लो आपके फेस पे आता है ना कि आपको लोग कहने लग जाएंगे कि व्हाट आर यू डूइंग. आपके एक्ने को ये फाइट करेगा, बैक्टीरिया एक्ने का जो होता है उसको ख़त्म करता है. और ये डेली रूटीन में आप इसको वन टाइम इन द मॉर्निंग आपको इसे लेना है खाली पेट ल्यूकॉम वाटर से जस्ट एक चम्मच. अगर आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो भी ठीक है, अगर आप इसे नॉर्मल फॉर्म में ले रहे हैं तो भी ठीक है, बस इसे रोस्ट जरूर करना है आपको, ये ध्यान रखना है. तो ट्राई करिए और ट्राई करके मुझे इसके रिजल्ट जरूर बताइए. So you like the video, I am pretty much sure you have liked the video, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका था आपके चेहरे पर ग्लो लाने का. एंड ट्रस्ट मी, इसके बहुत सारे फायदे हैं जो कि आपने वीडियो के डेमो के दौरान आपने सुने ही होंगे. हेल्थ बेनिफिट भी इसके बहुत सारे हैं, अकेले सिर्फ आपके फेस की बात नहीं करूँगी, ओवरऑल हेल्थ में भी आपको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा करता है. और ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं जितनी भी चीज़ें आपके लिए यहाँ लेकर आती हूँ ये सब की सब खुद पे ट्राई की होती हैं. इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ से उठाया वहाँ से उठाया और एक फटाफट से वीडियो बना दिया, नो नथिंग लाइक दैट. आप इसको ट्राई करके देखिए, ट्राई करने के बाद मुझे आप फीडबैक ज़रूर दीजिए अपना. योर फीडबैक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जो लोग मेरे वीडियोज़ को ट्राई करते हैं, मेथड्स को ट्राई करते हैं, और ट्राई करने के बाद जब उनका मैसेज आता है ना, यस इट वर्क, सो काइंड ऑफ यू नो इट्स अ बिग अचीवमेंट फ्रॉम माई साइड. सो या प्लीज डू लाइक द वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, स्मैश दैट रेड कलर बटन, बिकॉज आई कम अप विद लॉट्स एंड लॉट्स of DIYs, lots and lots of product reviews, and lots and lots of weekly challenges. So yeah, consider subscribing my channel, and I'll be meeting you very very soon in the next video. Until then, please do take care of yourself, and don't forget, you are beautiful. Stay beautiful and be beautiful. God bless you. Bye.